स्थगित नहीं कर दी गई है। अभी सभी सुबह से सब लोग ऐसे बहुत व्यथित थे तो समाधि हुई है। समाधि के बाद अभी सब लोग एक बार स्नान कर लें, क्योंकि हमारी परंपरा है नहा करके ही हम सब कुछ खाएंगे पिएंगे, तो हम सब स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम सब वापस अखाड़े में आकर के बैठ रहे हैं और बैठ करके हम सब कहीं ना कहीं बड़ा कठोर निर्णय और ऐतिहासिक निर्णय परंपराओं के लिए लेंगे। बात बलबीर गिरी के उत्तराधिकार को लेकर हो रही है। अभी क्या है, अखाड़ा यहाँ है, पंच यहाँ है, अखाड़ा यहाँ है, पंच यहाँ है, 13 के 13 जो हमारे अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ थे, तो पूरा पंच परमेश्वर हमारा यहाँ आज है। मुझे लगता है कि वो जो भी तय करेगा उनसे जो विधिक सलाह मुझसे वो लेंगे, मैं आज अखाड़े का आचार्य हूँ, मेरा काम उनको विधिक सलाह देना है, विधिक आदेश करना है मुझे, तो जो पंच का निर्णय होगा उस निर्णय को हम सब किस प्रकार स्वीकार करते हैं मानते हैं वो हम आपके लिए। गुरु जी, आपने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा, आखिर वो क्या निर्णय होगा? सुसाइड नोट पर इतना संदेह क्यों? क्योंकि वो सुसाइड नोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझसे अधिक उनको कोई नहीं जानता था, मुझसे अधिक उनके लोग उन्हें नहीं जानते थे, मुझसे अधिक उनके करीबी कोई नहीं था, करीबी कोई नहीं था। लेकिन अभी कभी उन्होंने मुझसे कभी जिक्र नहीं कि मुझे सुसाइड करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो अखाड़ा परिषद की बैठक थी, जो आपने कहा कि 2 घंटे बाद आहुति होनी थी, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? आप लोग कह रहे हैं कि स्नान होगा उसके बाद उस पे हम परंपराओं को लेकर के बात करेंगे, हम उस पे गादीपति को लेकर के बात करेंगे। बाघम्बरी गद्दी छोटी गद्दी नहीं है, लेटे हनुमान जी छोटे नहीं है, तो इसलिए इस परंपराओं को कैसे अच्छी तरीके से किया जाए उसको लेकर के हम करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे। हरिगिरी जी कह रहे हैं कि पैरेलल जांच साधु सन्यासी कर रहे हैं। साधु सन्यासी भी जांच कर रहे हैं, सरकार भी जांच कर रही है, सरकार ने सोसाइटी SIT भी बना दी है, और हम चाहेंगे कि इसको हाईकोर्ट केंद्र जो भी जांच अच्छी से अच्छी हो वो जांच करके आपके माध्यम से समाज के बीच में रखा जाए। क्या बलबीर गिरी